हाय किड्स आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर हैंड्स तो ये जो वीडियो है इसमें इस, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन एंड आंसर्स दोनों ही हैं। तो इसलिए आप एंड तक जरूर बने रहें चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं एवरीवन इन न्यू विजन हाई स्कूल वाज बिजी न्यू विजन हाई स्कूल में हर कोई जो है बहुत ही बिजी था द इनोग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड्स नेक्स्ट वीक ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है Seeing Eyes, Helping Hands, यानी देखने वाली आंखें और मदद करने वाले हाथ इस प्रोजेक्ट का जो इनोग्रेशन है जो उद्घाटन है वो अगले हफ्ते होना था स्केड्यूल था यानी डिसाइडेड था कि अगले हफ्ते होना है इट वॉज गेटिंग लेट फॉर सेंडिंग आउट द इन्विटेशन तो जो इन्विटेशन भेजने थे उसमें अभी भी बहुत देरी हो गई थी अभी तक गए नहीं थे इन्विटेशन

seeing eyes helping hands तो हम जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं सोलिसिट यानी रिक्वेस्ट करते हैं आप उपस्थित हो इस प्रोजेक्ट के इनॉग्रेशन में प्रोजेक्ट का नाम है सीइंग आइज़ हेल्पिंग हैंड्स इनॉग्रेशन कौन करेगा श्रीमती विमला नायक जो कि हमारी पूर्व प्रिंसिपल हैं न्यू विजन हाई स्कूल की और साथ ही सहायक समाज की प्रेसिडेंट भी हैं डॉ ए एम चौधरी डीन न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैज काइंडली अग्रीड टू प्रेसाइड ओवर द फंक्शन तो ये जो फंक्शन है इसे मैनेज कौन करेगा वो है मिस्टर ए एम चौधरी जो कि डीन है न्यू लाइफ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के तो उन्होंने जो है अग्री किया है कि वो जो ये फंक्शन है इसे मैनेज करेंगे टाइम क्या है दस बजे से ग्यारह बजे तक का दिन है संडे 9 जुलाई 2017। वेन्यू क्या है असेंबली हॉल है न्यू विजन हाई स्कूल का सुहासनी अंबेडकर प्रिंसिपल न्यू विजन हाई स्कूल तो ये इनविटेशन कौन भेज रहा है सुहासनी अंबेडकर उनके साथ और कौन कौन है बी एस अजिंक्या है जो की टीचर इंचार्ज है फिर है कोमल शैलार नितिन वाल के स्टूडेंट सेक्रेटरी तो ये सब जो लोग हैं इन तीनों ने जो है ये तीन नहीं सॉरी ये एक दो तीन चार चार जो लोग हैं इन्होंने ये इनविटेशन भेजा है फाइंड द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन सेंड दिस इन्विटेशन यूजिंग द इंटरनेट तो आप ये जो इनविटेशन है ये जो बनाया गया है इसे आप इंटरनेट की मदद से कैसे कैसे भेज सकते हो कौन से तरीके हैं तो पहले तो आप ईमेल इनविटेशन भेज सकते हो राइट आप सबको ईमेल कर दो आप ऑनलाइन इनविटेशन प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकते हो जैसे कि कैनवा है ग्रीन वेलप है यहाँ पे आप डिजाइन करोगे अपने इन्विटेशन और यहीं से भेज दोगे सोशल मीडिया पे भी कर सकते हो आप फेसबुक पे अपने स्कूल के पेज पे पोस्ट कर दो लिंकड पे पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे कर दो साथ में आप अपने स्कूल की वेबसाइट पे भी पोस्ट कर सकते हो तो सब लोग जो भी स्कूल की वेबसाइट पे आएगा उसे दिखाई देगा और वो इनवाइटेड होगा स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उस पर एक नोटिस भी लगाया गया है जिसमें जो है स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है इनोग्रल फंक्शन के लिए तो क्या नोटिस लगा हुआ है नोटिस बोर्ड पे स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड पेरेंट्स आर टू द इनोग्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आईज हेल्पिंग हैंड्स

तो ये ये जो है नोटिस हुआ इससे पिछली वाली स्लाइड में जो हमने देखा था वो था फॉर्मल इन्विटेशन मेनी टाइम्स द स्कूल अथॉरिटीज हैव टू कम्युनिकेट विद योर योर पेरेंट्स हाउ हाउ इज इट डन इन स्कूल आर कम्युनिकेशन सेंट तो बहुत बार जो है आपके स्कूल को जो है आपके माँ बाप से जो है कुछ कम्युनिकेट करना होता है कुछ इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी होती है तो आपका स्कूल ये कैसे करता है कैसे जो है रिटर्न कम्युनिकेशन जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके माँ बाप के साथ शेयर की जाती है तो कैसे होती है भेज सकते हैं राइट अगर आपके बाप का स्कूल पे होगा तो वो ई भेज सकते हैं स्कूल की वेबसाइट पे नोटिस भी डाल सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है और ये जो भी स्कूल की वेबसाइट पे आएगा उसे दिखाई देगा पेरेंट टीचर मीटिंग्स में ऑफ कोर्स वो शेयर कर सकते हैं फोन कॉल्स हो सकती हैं जिसमें फोन कर सकते हैं अगर कुछ अर्जेंट मैटर हो तो और अगर अर्जेंट मैटर नहीं है तो टेक्स्ट मैसेज हो सकता है या फिर व्हाट्सएप हो सकता है राइट right? उससे जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है स्कूल के अगर एप्स हैं अगर आपके स्कूल का कोई स्पेसिफिक ऐप है तो उस उसपे भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है एंड सोशल मीडिया पे भी कि आपके स्कूल का जो फेसबुक पेज है जो इंस्टाग्राम पेज है उस पर भी इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है विद योर टीचर्स हेल्प गेट टू और थ्री स्पेसिमेंट ऑफ द नोटिस अनाउंसमेंट फुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड तो आपको अपने टीचर की मदद से जो है दो तीन सैंपल इकट्ठा करने हैं नोटिस के जो कि आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड पे लगाए जाते हैं तो यहाँ पे मैंने दो सैंपल्स जो है वो लिखे हैं पहला नोटिस है पेरेंट्स के लिए वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस द अपकमिंग साइंस फेयर टू बी हेल्ड ऑन जुलाई फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटीफिकोवेशन प्लीज एनश्योर योर चाइल्ड रजिस्टर्स बाई जुलाई फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नेक्स्ट नोटिस जो है वो है पेरेंट्स के लिए उसमें है दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर दैट द पेरेंट टीचर मीटिंग्स फॉर दिस टर्म विल बी हेल्ड ऑन जुलाई 20 2024 फ्रॉम 9 एएम एम टू 4 पीएम वी लुक फॉरवर्ड टू डिस्कसिंग योर चाइल्ड्स एकेडमिक प्रोग्रेस एंड आंसरिंग एनी हैव तो ये जो है ये दो सैंपल नोटिस हैं तो so, ये जो फंक्शन होने वाला है इसके लिए टीचर्स ने जो है कुछ स्पेशल लोगों को कॉल करके भी बुलाया है स्पेशल कौन हो सकते हैं जैसे मीडिया फोटोग्राफर जो कि आके इस इवेंट को कवर करेंगे तो उसका एक सैम्पल फोन कॉल आपको यहाँ पे बताया गया है कि कैसे वो फोन कॉल गया रिसेप्शनिस्ट हेलो गिरगांव टाइम्स टीचर गुड मॉर्निंग आई एम विश्वास अजिंक्या फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल गुड आई स्पीक टू योर न्यूज एडिटर मिस्टर शशांक प्लीज जस्ट अ सेक थैंक यू हेलो मिस्टर अजिंक्य शशांक स्पीकिंग हाउ आर यू फाइन हाउ आर यू फाइन मिस्टर शशांक आई हैव अ रिक्वेस्ट आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यू विजन हाई स्कूल आवर स्कूल इज स्टार्टिंग अ न्यू सोशल वर्क प्रोजेक्ट द इनॉग्रेशन इज ऑन द कमिंग संडे वी आर सेंडिंग यू द ऑफिशियल इनविटेशन टुडे तो जो टीचर हैं वो शशांक जो कि न्यूज़ एडिटर हैं गिरगांव टाइम्स के उनसे कहते हैं कि मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है मैं आपको इसलिए फोन कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा स्कूल है, है, है और उसका जो है, वो संडे को है तो उसका जो इनविटेशन है वो ऑफिशियल आ जाएगा बट मैं कॉल करके भी आपको बुला रहा हूँ आई सी आर आईडिया अवेयर ऑफ देर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट विल बी अग प्रोजेक्ट एंड वी होप इट विल सेट अ ट्रेंड फॉर ऑल स्कूलो वी वुपर टू कवर द फंक्शन प्रोमिनेंटली वो तो उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है इससे जो है हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को पता चले कि उनकी क्या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें क्या क्या समाज के लिए करना चाहिए तो ये प्रोजेक्ट जो है ये एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होगा और हम चाहते हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट करता हुआ देख के जो है एक ट्रेंड स्टार्ट हो जाए और बाकी स्कूल भी इसे फॉलो करें तो हम चाहते हैं कि आपका जो पेपर है वो इस फंक्शन को बहुत अच्छे से फॉलो करे प्रोमिनेंटली यानी बड़ा चढ़ा के आप अच्छे से फॉलो करो ताकि आप अपने न्यूज पेपर में दिखा सको ताकि सबको पता चले कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेल दिस संडे इज गोइंग टू बी बिजी डे बट एज यू से प्रोजेक्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वन इट शुड गेट गुड पब्लिसिटी वेन डिड यू से फंक्शन दिस संडेड इन द मॉर्निंग फाइन आई है नोट ऑफ इट थैंक यू वेरी मच तो न्यूज एडिटर कहते हैं कि ये संडे थोड़ा बिजी है बट क्योंकि आप कह रहे हो कि ये प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट है और सच में जो है इसे अच्छे से कवर करना चाहिए ताकि सबको इसके बारे में पता चले इसे अच्छी पब्लिसिटी मिले तो कब आपने बोला ये फंक्शन है तो वो टीचर कहते हैं कि संडे को दस बजे तो वो कहते हैं कि उन्होंने नोट कर लिया है और वो आएंगे थैंक यू वेरी मच नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स को मैसेज पास ऑन कर रहे हैं तो उसका एक्सैंपल है कैसे जो है आप अपने पेरेंट्स को ये मैसेज दोगे मम्मी यू एंड डैडी आर इनवाइटेड टू आर स्कूल ऑन संडे द नाइन्थ सेड समीर तो समीर अपनी मम्मी से कहता है मम्मी आप और डैडी जो है हमारे स्कूल में संडे को इनवाइटेड हो व्हाट्स द ओकेजन क्या है कौन सी ओकेजन है किस चीज के लिए बुला रहे हैं

वो हम सब जो लोग जो है हम अलग अलग जगह जो है जाके विजिट करेंगे और वहां पे काम करेंगे समाज सेवा करेंगे हमारे टर्न आने पे वो जो है आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे संडे को सो यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट आंट यू तो तुम जो हो इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करोगे है ना यस मम्मी लेट्स सी डैडी एंड आई कांट बोथ गो बट वन ऑफ अस विल अकंपनी यू ठीक है मैं और पापा दोनों तो नहीं आ पाएंगे बट हम दोनों में से कोई एक जरूर तुम्हारे साथ जाएगा दैट वुड बी नाइस अजिंक्या ये तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि जो हमारे टीचर मिस्टर अजिंक्या हैं उन्होंने स्पेशली कहा है सारे बच्चों से कि अपने माँ बाप को जरूर बताओ इस प्रोजेक्ट के बारे में तो ये जो है ये ओरल इन्विटेशन का सैंपल है

Read each invitation carefully, keeping in mind the list of eight questions given below. Note the answers in your notebook. Verify that the formal invitation A covers all the eight points. तो यहाँ पे ये आठ पॉइंट दिए गए हैं, आपको ये आंसर करने हैं वो इन्विटेशन पढ़ के। पहला है, who is sending, giving the information? तो कौन इनफॉरमेशन दे रहा है? प्रिंसिपल दे रही है, सोहासमी अंबेकर। अजिंक्य सर दे रहे हैं जो कि टीचर इंचार्ज हैं उनके साथ कोमल शेलार एंड नितिन वालके जो कि स्टूडेंट सेक्रेटरीज हैं व्हाट इज द प्रोग्राम ऑफ द प्रोजेक्ट सीइंग हेल्पिंग हैंड्स इन प्रोग्राम क्या है इनोग्रेशन है इस प्रोजेक्ट का जिसका नाम है सीइंग आईज हेल्पिंग हैंड्स नेम क्या है प्रोजेक्ट का सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स कौन इनोग्रेट करेगा श्रीमती विमला नायक फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ न्यू विजन हाई स्कूल एंड प्रेसिडेंट सहायक समाज

चार टाइप की जो इन्विटेशन है उसमें इसमें से कौन से पॉइंट जो है कवर हुए हैं तो पहला जो इन्विटेशन है उसमें तो सारे पॉइंट्स है राइट बी में जो है वो पहला पॉइंट नहीं है सी में जो है पहला नहीं है तीसरा नहीं है चौथा नहीं है पांचवा नहीं है और सातवा नहीं है डी में जो है पहला पॉइंट कवर नहीं हुआ है और फिफ्थ पॉइंट कवर नहीं हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन बनाना है एक फंक्शन के लिए जो आपके घर में हो रहा है उस इन्विटेशन में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए कौन इनवाइट कर रहा है प्रोग्राम क्या है डेट टाइम वेन्यू क्या है और रिक्वेस्ट करनी है कि फंक्शन अटेंड करें। so यहां पे ये इनविटेशन मैंने बनाया है हाउस वार्मिंग सेरेमनी का ग्रह प्रवेश का द यू टू सेलिब्रेट देयर न्यू होम प्रोग्राम इज हाउस वार्मिंग सेरेमनी डेट इज ऑगस्ट 15 टाइम इज 3 टू 7 एंड वेन्यू है ये Please join us for an afternoon of warmth and cheer as we create new memories in our new abode. Refreshments and entertainment will be provided. We look forward to welcoming you to our home. Kindly RSVP by August 5, 2024. Warmest regards, the Patil family. Write an imaginary telephone conversation in which you invite your friend to the above function.

then you will say it starts at 3 p.m. there will be music, food and some fun activities. it wouldn't be the same without you. then Aru would reply I wouldn't miss it. thanks for inviting me. awesome. I'll text you the details. see you then. can't wait. see you. तो ऐसे जो है आप एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, right? उन्हें इनवाइट करने के लिए इस फंक्शन के लिए. ओनली पर्सन एट होम वेटेशन वॉज गिवेन और आपको इमेजिन करना है कि कोई जो है आपकी फैमिली को जो है एक फंक्शन के लिए इन्वाइट करना है और घर पे आप ही थे उस समय जब वो इंसान आया आपको इन्वाइट करने के लिए

और उन्होंने कहा है कि एक पूजा भी होगी तो इसलिए आप सब जो है हमारे घर आओ और इसमें शामिल हो तो हम सबको साथ में चलना चाहिए तो ऐसे जो है आप अपनी फैमिली के लिए एक रिटर्न नोट लिखोगे इमेजनरी कॉन्वर्सेशन कैसी होगी माँ बाप के साथ जिसमें आप उन्हें बताओगे कि वो लोग नहीं थे और घर पे कोई आया था उन्हें बुलाने के लिए सो यू विल से मॉम डैड गेस वॉर द पाटिल फैमिली केम बाय टूडे आर दे

If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.